हेलो गाइस गाइस, हम आज बात करेंगे विवेल बिट के बारे में। विवेल बिट कैसे काम करता है, ये बिट किस प्रकार से हम इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो आज हम इसको इस फाइल को यहाँ से लेंगे। ये फाइल पे हम काम करेंगे, वर्क करेंगे, और ये बिट कैसे काम करता है, किस तरीके से ये हम डिज़ाइन बनाते हैं और किस प्रकार से इसका उपयोग हम करते हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो इस फाइल को 8KM में खोलने के लिए कंट्रोल की दबाइए। कंट्रोल की दबाते जैसे ही आप कंट्रोल की दबाएंगे, वहाँ से देखिए AL फाइल, आप जो भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हो, DXF कर सकते हो, AL कर सकते हो, कोई भी फाइल कर सकते हो, मैं AL में करता हूँ ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से इसको नाम दे देंगे और फिर यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ से हम 8KM ओपन कर लेंगे। 8KM में वेक्टर में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद हमारे पास वो फाइल पड़ी है, ये वो फाइल पड़ी है, ये देखिए कैटलॉग 1 की है, ये 2 की है। यहाँ से इसको ओपन करने है, ठीक है। जैसे इसको ओपन करेंगे ये ऐसे पूछेगा, ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको सेलेक्ट करके F9 दबाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ हम इसको अनग्रुप कर लेंगे, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये फाइल पूरी हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब यहाँ से हम पिछले में हमने वी बिट कार्विंग देखी थी, अब यहाँ से हम ये वी वेल बिट कार्विंग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इस टूल पाथ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम टूल पाथ पे क्लिक करेंगे तो हमें पहले बिट सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट वेक्टर है हमारा, तो सेलेक्ट वेक्टर है ही, और ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले हम यहाँ से बिट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ से वी बिट पे काम करेंगे, तो वी बिट 32mm 90° में काम करेंगे। तो ये हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जैसे ये 18000 दे सकते हैं, ये 18000 दे सकते हैं, स्पेंडल स्पीड, और यहाँ से आप चेंज इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से हमने बिट सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ से हमें सेंटर लाइन करना होगा, जो इस पे सेंटर लाइन है, या कैलकुलेट में सेंटर लाइन करना होगा। तो ये देखिए हमें ये बता दीजिए नेक्स्ट हाइट, इसकी हाइट रहेगी 17, है ना, और इसकी ये विड्थ रहेगी, ये इसकी विड्थ रहेगी 34, ठीक है, और ये इसकी हाइट रहेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से एक बिट सेलेक्ट और करेंगे, ये तो हमसे सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको बिट सेलेक्ट दूसरा करेंगे तो हमारी ये हाइट है मेसिंग 17, तो हम इसको जैसे कि हम इसको कर देते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे कि मैं इस बिट का ज़्यादा उपयोग नहीं करता हूँ, आज तक मैंने कोई 3-4 बार इसका उपयोग किया है, वो भी अर्जेंट में किसी डिज़ाइन के चक्कर में। वैसे मैं इसका उपयोग बहुत ही कम करता हूँ, ये काम में इतना नहीं आता है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि भाई हमने बताया नहीं कि इस बिट का कैसे उपयोग करना है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस बिट का उपयोग कैसे करना है। तो ये देखिए हमारी ये हाइट 17 है, ठीक है। अगर हम इससे कम लेंगे तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, और इससे ज़्यादा लेंगे तो वो भी बता दूंगा, ठीक है आपको। जैसे कि ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा और कम लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारी इसकी है, तो ये देखिए हम यहाँ से 20mm ले लेते हैं, मान लो जैसे कि हमने 20mm ले ली, फिनिश डीप 20mm ले ली हमने, और ये होगी वॉल हाइट। देखिए ये वाला वॉल हाइट है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक का, और फिनिश डीप नीचे से टॉप तक का ये 20mm रहेगा। तो इसको हम कर देते हैं जैसे कि 5mm कर देते हैं, तो 15mm वो रह जाएगी और 5mm ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको करते हैं स्टार्ट डीप में, आपको देना चाहो तो दे लो, वरना आप तो देते नहीं, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम एंड मिल, जैसे कि कौन सा 6mm 4mm एंड मिल सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम 4mm एंड मिल सेलेक्ट कर लिया हमने, जैसे ही हमने 4mm एंड मिल सेलेक्ट किया, फिर हम नीचे आएंगे, 4mm की एंड मिल की सेटिंग है यहाँ से, आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर लेना, ठीक है। तो इसे हमने इसका डीप किया है 20mm, तो यहाँ 20mm कर देंगे, ठीक है। और ये मटेरियल हमारा हो गया 30mm, मान लो ये हमारा मटेरियल 30mm मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है। हम जैसे ही मटेरियल ले लेंगे और उसके बाद क्या करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा। देखिए ये हमसे पूछेगा कि ये वो
हार्ट नहीं होगी ना तो ये हमसे पूछेगा दिस इज नॉट, तो आप यहाँ से ये यस कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे ये यस करेंगे तो हमारा ये टूल पाथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए स्मार्ट टूल पाथ पे बन चुका है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने पिछली बार ये चेंज करना बताया था आपको, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, ये देखिए यहाँ से आप इसको अलग अलग रूल में चेंज कर सकते हो, मैंने ये आपको पिछली बार बताया। ये आप यहाँ से इसका जो भी लेना चाहूँ अलग अलग में यहाँ से ले सकते हो, ये देखिए डार्क चाहिए लाइट चाहिए वो आप यहाँ से अपने सुविधा अनुसार यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखिए ये हम कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारा इसको क्लोज कर देते हैं, हमारा ये बिट बन चुका है। हम इसका टूल बार देख लेते हैं कि ये सिमिलर कैसे होगा, तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए। अब जैसे कि हमारा ये हम इस पर ये चेंज करते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ से आएंगे और यहाँ से इसको ये वाला कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर यहाँ से हम इसका ले लेते हैं, ठीक है। और चलो ठीक है, ये यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए ये हमारा वर्क हो रहा है, देखिए आपको थोड़ा फास्ट करके दिखा देता हूँ इसको, ये देखिए इस प्रकार से हमारा बिट काम करेगा। गाइस हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना न भूले और ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप कुछ नया सीखे। मेरी आशा यही रहती है कि मैं आपको कम समय में, बहुत ही कम समय में कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वो चीज़ समझ में आई, अगर आपको उससे कुछ प्रॉफिट हुआ हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, हमारे चैनल हमारा हर वीडियो लाइक करें। आपको अगर कुछ सीखने को मिले तो ही आप हमारे वीडियो को लाइक करें वरना डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये इस प्रकार से काम करेगा, ये इस प्रकार से काम करेगा, ठीक है। मैं आपको पूरा सिमिलर करके दिखा देता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से टूल पाथ में जाएंगे और यहाँ से पूरा इसको सिमिलर कर लेंगे, ये सिमिलर आल टूल पाथ, ये बन गया हमारा। अब आप लोग बोलोगे सर ने क्या बता दिया, ये हमारे कुछ समझ में नहीं आया, सर ने तो अच्छा बताया था कि ये क्या बता दिया, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया, मतलब अपनी भाषा में बोले तो, है ना, पल्ले नहीं पड़ा। तो इसका हमें करना क्या होगा, इसका हमें ये देखिए हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, ये पूरा सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अभी इसमें हम चलाएंगे एंड मिन, फिनिशिंग करेंगे इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ से शिफ्ट दबा के इसको डिसलेक्ट कर लेंगे और इसको डिसलेक्ट कर लेंगे, पहले इसको ग्रुप कर लेते हैं, देखिए यहाँ से टूल पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको शिफ्ट के साथ डिसलेक्ट कर देते हैं, इसको डिसलेक्ट कर देते हैं, यहाँ ये देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको डिसलेक्ट कर दो और इसको डिसलेक्ट कर दो। अब हमें क्या करना होगा, टूल पाथ में जाएंगे दोबारा, ठीक है। मैंने ये टूल पाथ आपको बताया था, क्लियर एरिया क्लियर कैसे करते हैं, आप एरिया क्लियर क्लिक करके कर सकते हो या इंग्रेविंग करके कर सकते हो, फिनिशिंग हो जाएगी, एरिया क्लिनिंग में ठीक रहेगा, हम एरिया क्लिनिंग में जाएंगे, ठीक है। हमारा वो डिक कितना था, 20 mm था, ये देखिए पहले वाला हमें चेक करना होगा, ये देखिए हमारा 3D 20 mm था, तो अब हमें ये भी 20 mm ही करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हम टूल पाथ में आ जाएंगे, अब यहाँ से एरिया क्लिनिंग में जाएंगे और तो यहाँ से हमें 3D 20 mm देना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ से हम 20 mm 3D दे देंगे और सेलेक्ट वेक्टर हाई ऐड करेंगे, 4 mm एडमिन सेलेक्ट कर लेते हैं, 4 कर लो 6 कर लो, जो भी आपके सुविधा हो उस अनुसार आप कर सकते हो,
ठीक है। अब ये किस तरीके से करना चाहते हैं, ऑफसेट से करोगे तो ऑफसेट कर दीजिए, और ये रजिस्टर से करना चाहते हो तो रजिस्टर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेते हैं, कोई नहीं। और यहाँ से मटेरियल सेटअप किया हुआ है ही हमारा, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे। एरिया क्लीनिंग बिट का नाम आ गया, अब हम यहाँ से तो क्लोज करेंगे, देखिए इसको हम क्लोज कर देंगे। ये टूल पाथ बन रहा है, अभी टूल पाथ बनने के बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और देखिए एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो मिलेगी। आप इससे आप कुछ फ़ायदे भी फ्री में देते हैं हम लोग तो, हालांकि और यूट्यूबर कोई भी फाइल फ्री में नहीं देता है, हालांकि सिखाने में सब अपनी अपनी जगह सब अच्छे सिखाते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो ये देखिए हमारा ये टूल पाथ बन चुका है, ठीक है। देखिए ये इस प्रकार से हमारा टूल पाथ बन चुका है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको सिमिलर करके देखेंगे, ठीक है, एरिया क्लीन को हम सिमिलर करेंगे। देखिए ये देखिए सिमिलर होने देते हैं एक बार इसको, फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ किस प्रकार से ये वर्क होगा। ये देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिट कैसे यूज करना है। कुछ भैया ने कल परसों मेरे से कमेंट में पूछा था, और कॉल भी किया था कि भाई ये बिट कैसे यूज करना है, तो उनका कुछ शिलिंग का था, तो मैंने बोला कि मैं बता देता हूँ। फिर मैंने उनको कुछ बताया भी था, अगर उनके समझ में आया होगा तो उनका काम हो चुका होगा, अगर उनके कुछ नहीं समझ में आया तो उनका काम नहीं हुआ होगा, तो वो इसको देख के कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे है, अब देखिए मैं आपको डीप दिखा देता हूँ, जैसे कि इसमें हम डीप में यूज लेंगे रेड कलर, जैसे कि रेड कलर हम यूज लेंगे और अप्लाई कर देंगे, डीप पे क्लिक करके रेड कलर अप्लाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ से इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से आपका ये काम करेगा, एक हमारे पास 3D बन के आ जाएगी, अर्जेंट में हम इस प्रकार से वर्क कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा काम हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अब हम इसको बिल्ड सिमुलेट कर देंगे। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, डिलीट सिमिलर कर दिया हमने, ठीक है, हमने ये कार्विंग देखेंगे। अब ये हमारे पास ये 17 mm का था, ठीक है, ये देखिए 17 mm। तो अब हमारे पास मान लो ये मटेरियल हमारे पास 15 mm का ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये हम यहाँ से नीचे 15 mm देंगे, 15 हम 13 mm दे देंगे नीचे, ठीक है, 14 दे देते हैं। ये देखिए 14 mm हम इसको ये दे देते हैं, और यहाँ से हम यहाँ 4 mm ये दे देते हैं, ठीक है, वॉल हाइट। अब यहाँ से हम क्लिक करके इसको वापस कैलकुलेट कर देंगे। ये देखिए हमने ये 14 mm कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये 14 mm किया, अब हमें एरिया क्लीनिंग को भी 14 mm करना पड़ेगा, तो इसको भी हमने यहाँ से 14 mm दे देंगे, और यहाँ से क्लिक कर देंगे। इससे मैं सॉरी ये सिलेक्ट करना हम भूल गए, देखिए हम इसको सिलेक्ट करना भूल गए, एरिया क्लीनिंग हम दोबारा कर लेते हैं, ये फिल्ट मार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा ये टूल पाथ देखेंगे, ठीक है। ये देखिए अब हम इसको दोबारा से वो टूल पाथ बनाएंगे, टूल पाथ पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके इतनी डीप में 14 mm कर देंगे, और ये हम यहाँ 4 mm एडमी ले लेते हैं, और यहाँ इसकी भी यही कर देंगे 14 mm कर देते हैं इसको भी। ये देखिए आप यहाँ से नहीं करके यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ से भी कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ज़्यादा
वीडियो लंबा चौड़ा ना हो तो वीडियो में छोटा करने की कोशिश करते हैं हम कि कम समय में हम बहुत कुछ सीख जाएं। तो अब हम इसको करेंगे, रिव्यू में जाएंगे और ये देखिए हमें इसको सिमिलर करना होगा। ये देखिए यहाँ से हम सिमिलर करेंगे, ये देखिए ये जो फ्लैट एरिया आ रहा है ना फ्लैट, इसकी हमारे पास हमने इसको दे दिया, जैसे कि ये बताता हूँ आपको, इसको सिमिलर होने दो। ये देखिए हम इसको सिमिलर कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सिमिलर हो चुका है टोटल, ठीक है हमारे पास। अब इसमें देखिए आप ये एरिया फ्लैट हो रहा है, ये इसको भी हम सिमिलर कर लेते हैं, ये सिमिलर हो चुका है, ठीक है। अब ये एरिया देखिए फ्लैट हो रहा है, यहाँ फ्लैट एरिया हो रहा है, क्योंकि ये 17 mm आ रहा था हमारे पास, देखिए ये यहाँ से हमारे पास 17 mm आ रहा था, यहाँ पे 17 mm आ रहा था हमारे पास, ये देखिए। तो हमने क्या किया, यहाँ 14 mm दिया हमारे पास कि वही 14 mm से नीचे आपको नहीं जाना है, हमने फिक्स कर दिया इसको कि 14 mm से आपको नीचे नहीं जाना है। इसलिए अब ये देखिए ये यहाँ से लेके ये हिस्सा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से ये 4 mm है, यहाँ से यहाँ तक, और ये नीचे से लेके यहाँ तक टोटल ये 14 mm है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 14 mm हो गया, और ये यहाँ से ये यहाँ तक वॉल हाइट ये जो 4 mm है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है वॉल हाइट। मैं आपको ये साथ में बता देता हूँ, फिर बोलोगे बताया नहीं। तो अब ये देखिए इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा कि भाई कुछ एरिया जो कि जहाँ ये देखिए ये एकदम राउंड में नहीं है, फ्लैट कर दिया इसने, क्योंकि ये ऊपर का था, इसलिए ये पहाड़ी की तरह, और तो पहाड़ी की तरह बन गए जो सही थे, मतलब 14 mm से नीचे थे वो तो पहाड़ी की तरह हो गए, ये देखिए। और जो अगर 14 mm से ऊपर थे वो उस एरिया को फ्लैट कर दिया इसने, तो आप इसको समझ सकते हैं, ये देखिए ये फ्लैट है और ये पहाड़ी की तरह बना दिया इसने। तो ये इस प्रकार से हम इसको आसानी से यूज में ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस समझ में आया होगा, आप टूल पाथ यहाँ से सेव कर सकते हो। एक भैया ने पूछा भैया हम टूल पाथ कैसे वहाँ से सेव करना है, मैं कर सकते हो, तो यहाँ से आप टूल पाथ सेव कर सकते हो। यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा ये बीटा है, ये ही है, और यहाँ पे जी कोड एम एम टेप फाइल आपको यहाँ रखना है, और यहाँ जिसको भी नाम वो भी करो, और यहाँ से इसको लोकेशन देनी है कहाँ पर आप फाइल सेव कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से आप इधर से ऐसे भी सेव कर सकते हो, वैसे भी सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप ये फाइल सेव करनी है तो यहाँ ये सेव कर दीजिए, फिर इसको वापस इधर डाल दीजिए, इसको इधर ले आइए, यहाँ से ये फाइल सेव, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब अगला चैप्टर में हम कुछ और सीखेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, राम राम सार।